हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक का, ये जो सातवां और आपका आठवां ऑप्शन है, सिंपल है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब ही समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको गुणन दिया गया है ए और बी, और नीचे यहां पर है गुणा का निशान और यहां पर है बी। अब इनका जो गुणा आता है वो सी ए बी, यानी कि यहां पर जो अक्षर आएगा ना पहली पंक्ति में, ये जो तीनों अक्षर वो सेम होंगे। तो सेम हम किस संख्या को गुणा करें 3 बार, तो उसका आंसर आता है, जैसे मान लो एक को हमने किया, एक को किया यहां पर एक से, यहां पर एक रखा और यहां पर एक रखा, तो कितना आएगा एक, ये तो सेम है। फिर दो को किया दो से, तो वो आता है 4, यानी कि दो और दो नहीं होता है। फिर करते हैं हम 5 को 5 से गुणा, तो 5 25, तो ये देखो सेम आया तीनों अक्षर, और ये 5 यहां पर रह जाएगा और ये 2 यहां पर चला जाएगा। तो यहां पर मान लो हमने एक बार हमने बी के स्थान पर क्या रखा, 5 रखा, तो यहां पर गुणा का निशान और यहां पर भी 5, और यहां पर देखो 5 25, आखिर का चला गया 2। अब ये जो ए का मान रखेंगे ना हम, वो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है, जो यहां पर रखे। जैसे मान लो हमने रखा यहां पर 2, तो यहां पर हम जब गुणा करेंगे तो 2 ही आना चाहिए। तो देखो 5 को 2 से गुणा किया, 5 2 10, 10 और 2 12, 12 का दुआ और हासिल का आगे लगन लगेगा नहीं, तो क्या होगा 125 इसका आंसर आ जाएगा। देखो बी के स्थान पर हमने 5 रखा था और 5 से गुणा किया, तो कितना आया 5 25, हासिल का लगाया 2। अब जो मान यहां पर है वो यहां पर होगा, तो यहां पर हमने माना 2, तो यहां पर भी क्या आएगा 2 आएगा, क्यों आएगा, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 के आगे जो 2 हासिल का है वो भी जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे 10 और 2 12, तो 125 आंसर आ गया। तो बताओ इन सब के मान लिखने आपको अलग अलग, तो बताओ बी का मान क्या माना था हमने, बी का मान माना था 5, उसके बाद ए, ए का मान क्या माना हमने 2, तो बताओ सी का मान क्या आया 1, और यही हमारा इसका आंसर है। अब देखो दोस्तों, आपको ए और बी को गुणा करना है 6 से। अब यहां पर जो बी का मान हम मानेंगे वो एक बराबर होगा, क्या होगा एक बराबर होगा, तीनों मान देखो यहां पर भी जो बी का मान मानेंगे वो भी यहां पर होगा। एक बार हमने ये जो बी है उसके स्थान पर देखो कितना मान लिया 4, इस बी के स्थान पर ए और इसके स्थान पर मान लिया 4 और गुणा 6। अब देखो और यहां पर भी बी है, वहां पर भी क्या आना चाहिए, अगर यहां पर 4 माना है तो यहां पर भी 4 आएगा, तो बताओ कितना आंसर आया 444। अब देखो किससे गुणा किया, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24, 24 का तो 4, हासिल का लगा 2। अब ए के स्थान पर ऐसा मान माने जिसको गुणा करने के बाद 44 आ जाए, तो ए के स्थान पर हमने मान लिया 7 मान लिया, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे, यहां पर मान लिया 7, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 और 2 44। तो बस आपको दिमाग लगाना है, कसरत करनी है दिमाग की, कसरत आपको दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तभी आपका ये राइट होगा। अब देखो 7 6 42, 42 और 2 44, तो बताओ हमने बी के स्थान पर कितना माना था 6, और ए के स्थान पर कितना माना था 7, और इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा है, आपको गुणा आना चाहिए। और आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ना 1 से लेकर 10 तक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1 गुणा 1, तो 1 आता है, फिर 5 गुणा 5, तो क्या आता है 25, तो बताओ पिछला अंक 2 हासिल में चला जाएगा, और पिछला 5 भी बराबर और ये 2 भी बराबर, फिर है 6 गुणा 6, तो 6 6 36, तो यहां पर पिछला देखो 6 बराबर है और यहां पर 6 × 6 है और 3 अलग है, ये 3 ही ज्यादातर आपके क्या आएंगे इस प्रश्नावली में, इन ऐसे क्वेश्चनों में काम आने वाले हैं, सेम टू सेम वाले, यानी कि ए और बी को गुणा करें 6 से तो बी भी आए। तो इस प्रकार को आपको एक बॉक्स बना लेना चाहिए, इन चीजों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट।